हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। नाउ आज की इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर पोटेंशियल टॉपिक दैट इज अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 एग्जामिनेशन। सो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं राइट टू हेल्थ के बारे में, कि क्या राइट टू हेल्थ इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, क्या एक ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंट है, एंड व्हाट आर द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो कि राइट टू हेल्थ के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, राइट टू हेल्थ का मतलब क्या है? राइट टू हेल्थ का सीधा सा मतलब है कि एक ऐसा राइट होना चाहिए जो हर एक ह्यूमन बीइंग को कुछ हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, मतलब मोस्ट अटेनेबल लेवल्स ऑफ हेल्थ प्रोवाइड करना चाहिए, मतलब कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए हर एक ह्यूमन बीइंग को, वही बात करता है राइट टू हेल्थ। ठीक है, सो राइट टू हेल्थ के बारे में लेट्स अंडरस्टैंड। नाउ राइट टू हेल्थ की पहली जो बातचीत होती है वर्ल्ड लेवल पे, दैट वाज इन 1946 जब WHO को बनाया गया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जब बनाया गया था, और WHO ने बेसिकली ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की। जब ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की तो ह्यूमन राइट्स के अंदर ऑटोमेटिकली हेल्थ राइट्स आ गए। ठीक है, तो यहीं से हेल्थ राइट के जो कंसेप्ट था उसका ओरिजिनेशन हुआ है। सो इट वाज इन 1946 व्हेन WHO वाज फॉर्मड। ठीक है, नाउ अगेन वंस अगेन गोइंग बैक, राइट टू हेल्थ क्या है? तो कम से कम कितना अमाउंट ऑफ फैसिलिटी हर एक पर्सन को मिलना चाहिए ताकि वो अपने हेल्थ का ध्यान रख सके, दैट थिंग इज कॉल्ड एज राइट टू हेल्थ। ठीक है, भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, क्या राइट टू हेल्थ एक फंडामेंटल राइट है? आंसर इज नो। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर राइट टू हेल्थ डायरेक्टली वर्ड कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन इनडायरेक्टली इट हैज बीन मेंशन्ड अ लॉट मेनी टाइम्स। ठीक है, जस्ट रिमेंबर, डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली कहीं पर भी फंडामेंटल राइट्स मेंशन नहीं किया गया है, फंडामेंटल राइट्स में मेंशन नहीं किया गया है कि ये एक फंडामेंटल राइट है राइट टू हेल्थ, लेकिन मल्टीपल रेफरेंसेस दिए हुए हैं हमारे संविधान के अंदर। सबसे पहला रेफरेंस जो है वो DPSPs के अंदर दिया गया है। DPSP ये बोलता है, देखो आर्टिकल 39 क्लॉज ई ये बोलता है कि स्टेट जो है, यानी कि जो गवर्नमेंट है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सिक्योर द हेल्थ ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स का जो हेल्थ है उसको सिक्योर करने के लिए बोलता है, यानी कि वर्कर्स के लिए राइट टू हेल्थ यहाँ पर स्टेट के अगेंस्ट दिया हुआ है, मतलब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। सेकेंड, आर्टिकल 42 क्या बोलता है? आर्टिकल 42 अगेन स्टेट को, यानी कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है टू जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मेटर्निटी रिलीफ। बोलता है जब भी आप किसी लेबर को या फिर वर्कर को काम करने के लिए बोल रहे हैं तो आपको ह्यूमेन कंडीशंस में देना है। तो ह्यूमेन कंडीशन में क्यों देना है? सो दैट उसकी हेल्थ ठीक रहे, राइट? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। उसकी हेल्थ ठीक रहे एंड वो सही तरीके से काम कर पाए, उसकी प्रोडक्टिविटी सही हो, इसी चीज के लिए उसको ह्यूमेन कंडीशंस में काम करने को बोला जाता है। सेकेंड चीज, जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है एंड उन्हें मटर्निटी लीव चाहिए होता है, मटर्निटी लीव चाहिए होता है तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोविजन है हमारे आर्टिकल 42 के अंदर, वो भी इनडायरेक्टली वुमेन्स के राइट टू हेल्थ के बारे में बात करता है। थर्ड, आर्टिकल 47 वंस अगेन DPSP का पार्ट, ये बोलता है कि स्टेट की ड्यूटी है, यानी कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है टू रेज द न्यूट्रिशन लेवल एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल और उनकी पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना। तीन फंक्शंस दिए हुए हैं। पहला बोला गया है कि जो भी खाना वो खा रहे हैं वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए। दूसरा, जो लोग रह रहे हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपलिफ्ट करना है। और तीसरा, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना है। ये तीनों भी तो इनडायरेक्टली राइट टू हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। वंस अगेन देखो, ऑल्दो डायरेक्टली मेंशन नहीं है कहीं पर भी, बट इनडायरेक्टली इट हैज बीन सेड अलॉट मेनी टाइम्स। फोर्थ, आर्टिकल 243 क्लॉज जी, उसके अंदर क्या बोलते हैं? वो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को एक ऑर्डर देता है, एक बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज को साथ में मिलकर के पब्लिक हेल्थ को स्ट्रेंथन करना है। पब्लिक हेल्थ मतलब कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है, जो गवर्नमेंट के अंदर आती है, उन सबको स्ट्रेंथन करना है। तो आर्टिकल 39 क्लॉज ई जो कि हेल्थ ऑफ वर्कर्स के बारे में बात करता है, आर्टिकल 42 जो लेबर्स के बारे में और वुमेन्स के राइट ऑफ हेल्थ के बारे में बात करता है, आर्टिकल 47 बेसिकली लोगों के लिए न्यूट्रिशन लेवल इंक्रीज करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करना और पब्लिक हेल्थ को इंक्रीज करना, ये तीनों चीज़ों के बारे में बात करता है। एंड आर्टिकल 243G जो है वो पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज को बोलता है ओवरऑल पब्लिक हेल्थ को स्ट्रेंथन करने के लिए। आई होप इट इज क्लियर कि ऑल्दो डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट इनडायरेक्टली बहुत जगहों पर ये चीज़ मेंशन किया गया है। लेट्स अंडरस्टैंड, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर राइट टू हेल्थ के बारे में मेंशन किया गया है। पहला, बंधुआ मुक्ति मोर्चा, बंधुआ मुक्ति मोर्चा नाम का एक जो केस है, ये इस पर्टिकुलर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आर्टिकल 21 के अंदर जब हम राइट टू लाइफ की बात करते हैं उसके अंदर राइट टू हेल्थ भी आता है। जस्ट रिमेंबर, राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 का पार्ट है उसी के अंदर राइट टू हेल्थ भी आता है। जस्ट रिमेंबर ये पर्टिकुलर चीज़ कि आर्टिकल 21 के अंदर
राइट टू हेल्थ भी है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशनड है? द आंसर इज नो, बट ये सुप्रीम कोर्ट ने बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस के अंदर मेंशन किया गया है इस पर्टिकुलर चीज को. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, नेक्स्ट चीज, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस अदर्स वर्सेस मोहिनी सिंह चावला. सो मोहिंदर सिंह चावला केस जो था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट बोलता है दैट राइट टू हेल्थ इज फंडामेंटल टू राइट ऑफ लाइफ. पहली चीज तो अगेन आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू लाइफ है उसी का एक फंडामेंटल यू नो वैल्यू है राइट टू हेल्थ. और जो गवर्नमेंट्स हैं दे शुड पुट ऑन रिकॉर्ड कि गवर्नमेंट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, मतलब संवैधानिक जिम्मेदारी है उनकी, संवैधानिक जिम्मेदारी है कि उनको लोगों को प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं. फिर से देखिए, समझिए, भूपेंद्र सिंह चावला केस के अंदर ये मेंशन किया गया है राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21 के अंदर, उसके अंदर राइट टू हेल्थ ये एक इंपॉर्टेंट राइट है और गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि उनको लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रॉपरली प्रोवाइड करने हैं. वंस अगेन इनडायरेक्टली ये पर्टिकुलर जजमेंट जो है वो राइट टू हेल्थ को अफर्म कर रहा है. नेक्स्ट केस, राम लुभाग्य बग्गा केस. राम लुभाग्य बग्गा केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट फिर से ये चीज बोलता है कि स्टेट जो है यानी कि गवर्नमेंट जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ सर्विसेज को मेंटेन करने की. हेल्थ सर्विसेज में क्या आता है? बेसिकली हॉस्पिटल्स. देखो हेल्थ सर्विसेज क्या है? पब्लिक सर्विस, सेकेंडरी सर्विस एंड टर्शरी सर्विस. कौन सी सर्विस? पब्लिक हेल्थ सर्विस, सेकेंडरी हेल्थ सर्विस, टर्शरी हेल्थ सर्विस. इसी चीज के अंदर यहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत स्कीम भी लेकर आया है. ठीक है, सो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ आ रही है. राम लुभाग्य बग्गा केस के अंदर भी यही मेंशन किया गया है. एक और है, पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति केस 1996 के अंदर आया था. इसके अंदर वंस अगेन सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि जो भारत है, भारत वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करता है, राइट? इंडिया टॉक्स अबाउट वेलफेयर स्टेट. तो वेलफेयर स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट है उसकी मेन ड्यूटी यही होती है कि वो लोगों का वेलफेयर करे. और जब लोगों के वेलफेयर करने की बात आती है तो गवर्नमेंट का जो सबसे पहला ऑब्लिगेशन है वो यही है कि लोगों को एडिक्वेट मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए. आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स रिवाइज दिस थिंग. बंधुआ मुक्ति मोर्चा ये बोलता है आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है उसी के अंदर राइट टू हेल्थ भी आता है. सिंपली बस इतना बताया गया. सेकेंड केस आया मोहिंदर सिंह चावला केस, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये बोला कि राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू हेल्थ आता है. सेकेंड चीज, गवर्नमेंट का ये ऑब्लिगेशन है कि उसको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. थर्ड चीज, राम लुभाग्य केस, सुप्रीम कोर्ट फिर से बोलता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. फोर्थ, पश्चिम बंगाल खेत मजदूरी समिति केस, सुप्रीम कोर्ट फिर से बोलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक वेलफेयर गवर्नमेंट है, मतलब इंडिया के अंदर वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है. तो मेन जो सबसे मेन कंडीशन है वेलफेयर स्टेट का वो यही है कि गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन है मेडिकल फैसिलिटीज फॉर इट्स पीपल, लोगों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना. उम्मीद करता हूँ राइट टू हेल्थ के बारे में ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स आर क्लियर टू यू एंड आपको प्रॉपरली समझ आ गया एज टू किस टाइप की क्वेश्चंस कैन बी आस्ड. द क्वेश्चन दैट विल बी आस्ड इज डीपीएसपी में कौन कौन से प्रोविजंस हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में कौन कौन से प्रोविजन है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विल बी कि क्या ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टली मेंशन है. द आंसर विल बी नो. ठीक है, सो आई होप दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर एंड उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर जो डिस्कशन था यह आपके एग्जामिनेशन के अंदर हेल्प करेगा एंड यू विल बी एबल टू सिक्योर +2 मार्क्स. अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो या आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ शेयर कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.